हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑन हाउ टू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। हमने अपनी क्लास लास्ट क्लास में एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ा था। उसमें हमने लास्ट बात की थी टिश्यू कल्चर के ऊपर, कि प्लांट्स को हम अपनी तरीके से अपनी रिक्वायर्ड ट्रेट्स के लिए आर्टिफिशियली ग्रो करते हैं और फिर उनको प्लांट कर लेते हैं। तो क्या 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 बेनिफिट्स थे हमारे? पहली चीज़, डिजीज़ फ्री प्लांट्स। दूसरी चीज़, इसमें इम्पॉर्टेंटली हमें क्या मिलते हैं ट्रेट्स? जो भी प्लांट हम टिश्यू कल्चर के थ्रू ग्रो करते हैं बच्चों, उसमें हमें एक तो सुपीरियर ट्रेट्स मिलती हैं। सुपीरियर ट्रेट्स माने वो सारी की सारी चीज़ें जो हमने इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज में देखी थी, दैट इज़ डिजीज़ फ्री होते हैं, मेच्योरिटी टाइम कम होता है, फ्लावर्स बड़े होते हैं, ठीक, फ्रूट्स सीडलेस हो सकते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल ट्रेट्स होती हैं उसके अंदर प्लांट्स में, सुपीरियर ट्रेट्स होती हैं बट जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट होते हैं, जेनेटिकली सिमिलर ट्रेट्स रहती हैं। एट द सेम टाइम मेच्योरेशन टाइम कम होता है, मेच्योरिटी टाइम इज लेस। जब मेच्योरिटी टाइम कम है तो डेफिनेटली आपका फाइनेंशियल बर्डन कम हो जाता है, फाइनेंशियल बर्डन रिड्यूसेस। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं टिश्यू कल्चर के इन दिस वे। आज हम बात करेंगे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की। बच्चों, वो रिप्रोडक्शन जिसके अंदर फ्यूजन ऑफ गैमीट हो, वो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जहां फ्यूजन ऑफ गैमीट हो, दैट इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, और ये जो गैमीट है, वन गैमीट कम्स फ्रॉम मेल पेरेंट, अनदर गैमीट कम्स फ्रॉम द फीमेल पेरेंट। सो द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वेयर फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ दिस फ्यूजन ऑफ, दिस प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। लेकिन अब देखिए, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बढ़िया तो था, क्या दिक्कत थी? व्हाई डू वी नीड दिस अनदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन? क्यों चाहिए? व्हाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड? क्यों चाहिए हमें? अच्छा देखो, क्या है कि डीएनए कॉपिंग जो है अलोन, डीएनए कॉपी अलोंग विद सेल अपैरेटस और अपरेटस सम पीपल से इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट two new cells, correct? But DNA copying is not absolutely accurate mechanism, क्योंकि हमें पता है कि उसके अंदर भी क्या होगा, एक तो एरर आएंगे, ठीक है, एंड अलाउ वेरिएशंस फेयरली इनफ टू मेंटेन स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन of a species. Correct? किसी भी population को maintain करने में DNA की variation important role play करती है, enough है, sufficient होता है। इसको हम ये भी कह सकते हैं that this variation ensures
द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशी, क्योंकि अगर आपका इकोसिस्टम चेंज होता है तो ऑर्गेनिज्म की ट्रेड्स में भी बदलाव आना चाहिए, यानी उसमें भी मॉडिफिकेशन होना ज़रूरी है। इट जस्ट लाइक आज आपको मोबाइल फ़ोन अगर नोकिया का बहुत पुराना मॉडल दे दिया जाए तो इट विल नॉट फिट इनटू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ करंट जनरेशन, सो हमें उसमें मॉडिफिकेशंस करनी ज़रूरी है, अदरवाइज इट विल बिकम ऑब्सोलीट, वहाँ काम ही नहीं करेंगे, सर्वाइव ही नहीं करेंगे एंड इट विल लूज द कॉम्पिटिशन। सिमिलरली कॉम्पिटिशन ऑर्गेनिजम्स के बीच में भी होता है, अगर ट्रेड्स में बदलाव नहीं आता, वेरिएशंस नहीं आती, तो पुरानी जो चीज़ें हैं दे कैन नॉट सर्वाइव इन द न्यू एरा और द न्यू इकोसिस्टम। दैट इज़ वाई वेरिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस वेरिएशन को हम कैसे स्पीड अप कर सकते हैं, हाउ कैन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वेरिएंट्स बी स्पीड अप, किस तरह से आप इसको बढ़ा सकते हो। इसको बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है बच्चों, ऑल इंडिविजुअल्स हैव डीएनए विद डिफरेंट वेरिएशंस। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, सबके डीएनए कॉपी होते हैं, ठीक है, सब में वेरिएशंस आती हैं, अगर इन सारी वेरिएशंस को कंबाइन कर दिया जाए तो, सो by combining variations from two or more individuals would create new combinations ऑफ वेरिएंट्स। यही हमारा मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशंस हो, ऐसी वेरिएशंस जो कि नेचर एक्सेप्ट कर ले, यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सो ईच कॉम्बिनेशन वुड बी न्यू, पक्की बात है, बिकॉज ट्रेड्स किसी में भी एब्सोल्युटली सेम नहीं आती, because it involves two different individuals. We are not just talking about human beings or animals, we are also talking about plants, we are talking about all the species in nature. Jab bhi do ya do se zyada organisms involve hote hain, that will cause more variations and sexual mode of reproduction involves this process of reproduction to produce new individuals. Right? So sexual mode of reproduction involves this process. यहाँ से आप छोड़ सकते हैं. To produce two new individuals. If DNA replicates it will produce two DNA. देखो ना, डुप्लीकेट कर रहा, डुप्लीकेशन हो रही है, तो दो DNA बनेगा and two cell apparatus will be formed with exact number of क्रोमोसोम्स। मैंने आपको बताया था माइटोसिस, जब भी डुप्लीकेशन होगी तो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उसमें रह जाएंगे इन मेल एंड एज वेल एज फीमेल्स एंड अगर डीएनए डुप्लीकेट करता है यानी डबल बनाता है तो दो डीएनए और दो सेलेप्रेटर्स बनेंगे विद एग्जैक्ट नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स दोनों मेल और फीमेल गैमेट्स के अंदर एंड अगर इन दोनों को फ्यूज किया जाए एंड द न्यू इंडिविजुअल विल हैव
double the number of chromosomes? तो बच्चों ये कैसा चेंज हो गया, क्या ये सिंपल चेंज है या फिर सटल चेंज है या फिर एकदम ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा? इट विल बी अ ड्रास्टिक चेंज। अगर ये चेंज होता है तो सेल सर्वाइव ही नहीं करेगा, बनेगा लेकिन काम ही नहीं करेगा, जी ही नहीं सकता, क्योंकि इट इज़ नॉट हैविंग द सिमिलर जेनेटिक मटीरियल। अगर सिमिलर कॉपी भी है तो नंबर ऑफ द क्रोमोसोम डबल हो गए हैं, सो इट विल नॉट हैव द नॉर्मल फंक्शनिंग। सो देन वॉट टू डू, क्या ऐसा करें कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे पास सेम हो जाए? यस, वी हैव टू गो विद द मियोसिस प्रोसेस। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कंटेन स्पेशल रिप्रोडक्टिव बॉडी सेल्स that contain half the number of chromosomes or cells and DNA, half the number of cells and DNA as compared to non-reproductive cells, yani हमारे ऑर्गेनिजम्स जो दो पेरेंट्स से सेल्स लेते हैं उनके अंदर आधे आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, आधे फादर से होंगे आधे मदर से होंगे, आधे मेल से होंगे आधे फीमेल पार्ट से आएंगे, एंड दीज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इन्वॉल्व exchange of chromosomal fragments। I hope ये आपको क्लास 9 से पता होगा क्रोमोसोम्स कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स कॉजिंग जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। विच लीड्स टू वेरिएशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय होमोलोगस क्रोमोसोम्स? बच्चों ये क्या है, लुक एट इट, एक क्रोमोसोम ये रहा, एक क्रोमोसोम आपके पास ये रहा, ठीक है, ये एक क्रोमोसोम आपको मेल से मिला है, दूसरा पेयर आपको फीमेल से मिला है। इन क्रोमोसोम के ऊपर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स रहते हैं, अनगिनत से पॉइंट हैं, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ दीज पॉइंट्स, एंड दीज पॉइंट्स आर नथिंग बट द जीन्स, ठीक है। मान लीजिए चाइल्ड हैज अ ब्लैक हेयर, या फादर के चलिए फादर का ब्लैक हेयर है, ठीक है, और मदर जो है उसके हेयर कैसे हैं, ब्राउन, करेक्ट। अब जो क्रोमोसोम फादर से आ रहा है उसमें हेयर का कलर का जीन कैसा होगा, दैट विल कैरी ब्लैक कैरेक्टर। सेम पोजीशन के ऊपर मदर के पास होगा बच्चों ब्राउन कलर का कैरेक्टर। सो यानी दोनों मिलने के बाद एक जैसा, यानी होमोलोगस का मतलब क्या है, एक ही जगह पर एक ही कैरेक्टर के लिए दो अलग कंपैरेटिव जीन्स हैं, एक जगह पर क्रोमोसोम की एक पोजिशन पर एक जैसे जीन्स हैं जो क्या कैरी करते हैं, इन्फॉर्मेशन कि बाल कैसे होंगे, ठीक है, ब्लैक हेयर। सो दिस काइंड ऑफ जीन और द क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज होमोलोगस क्रोमोसोम्स दैट कैरी द सेम इंफॉर्मेशन, मगर कैसी, कॉन्ट्रास्टिंग, यानी एक में अगर बालों का रंग काला है तो एक में ब्राउन है, लेकिन जीन इंफॉर्मेशन क्या कैरी कर रहा है, ये जीन क्या इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है, कलर ऑफ हेयर। अब इसमें से कौन सा रिफ्लेक्ट करेगा ये हम बात करेंगे चैप्टर हेरिडिटी के अंदर, हाउ दीज आर गोइंग टू रिफ्लेक्ट ईच फ्रॉम वन अनदर, कि ब्लैक बेबी के अंदर ब्लैक कलर आएगा या ब्राउन कलर के हेयर होंगे, दैट वी विल टॉक अबाउट इन हेरिडिटी। सो व्हेन जर्म सेल्स
और जिन्हें हम गैमिट्स कह रहे हैं, दीज जर्म सेल्स फ्रॉम टू इंडिविजुअल्स कंबाइन ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल. इट रिजल्ट्स इन रीएस्टैब्लिशमेंट ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड द डीएनए कंटेंट ऑफ द न्यू जनरेशन. मतलब ये है कि मान लीजिए ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, चलिए हम थोड़ा सा उसको आपको एक्सप्लेन करते हैं. इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स आप देखिए, वी हैव 46 क्रोमोसोम्स और वी कैन से 23 पेयर, करेक्ट, ऑफ क्रोमोसोम्स. इन 23 पेयर्स के अंदर 22 पेयर जो होते हैं बच्चों, दे आर कॉल्ड एज ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स. ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स जो है वो पूरी बॉडी में सिमिलर होते हैं, यानी हाथ पैर नाक कान लाइक टाइप्स, ठीक. लेकिन एक पेयर उसमें ऐसा होता है बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है. अब आपको मालूम ही है फीमेल में और मेल में जो क्रोमोसोम्स हैं, दिस रिफ्लेक्ट्स एक्स एक्स रिफ्लेक्ट्स फीमेल एंड एक्स वाई रिफ्लेक्ट्स मेल, करेक्ट. सो गैमेट्स जब बनेंगे बच्चों तो कैसे बनेंगे, फीमेल के जो एक्स एक्स है इससे गैमेट्स कौन से बनेंगे, एक्स एंड एक्स, दीज आर द टू गैमेट्स दैट विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम दिस वन. सो वी हैव टू गैमेट्स, वन एंड टू, ठीक है. सिमिलरली वी हैव एक्स वाई, इसके गैमेट्स क्या बनेंगे, दिस इज द फीमेल गैमेट्स और इसके बनेंगे आपके मेल गैमेट्स. दिस विल गिव यू एक्स एंड वाई, यानी कि पहला ये सेकेंड ये, फर्स्ट ये सेकेंड ये. आई विल शुड मार्क फर्स्ट एंड सेकेंड रादर देन वन एंड टू, आप कन्फ्यूज हो जाएंगे नहीं तो, ठीक है. फर्स्ट गैमेट सेकेंड गैमेट, फर्स्ट गैमेट सेकेंड गैमेट, ईच विल कंटेन कितने क्रोमोसोम्स, हाफ नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स एज टू एक्स एंड दिस वन. इनके पास टोटल है, इनके पास एक एक रहेगा. सो दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू मेक दी. अब जब मान लीजिए मेल से अगर कुछ आता है, सो 22 पेयर्स में से 22 क्रोमोसोम्स ये आएंगे प्लस एक ये आएगा. फीमेल पार्ट से 22 क्रोमोसोम अलग आएंगे और एक इन दोनों में से आएगा. सो 23 विल बी देयर बाय द मेल गैमेट, 23 विल बी देयर बाय द फीमेल गैमेट. अनडाउटेडली इसमें ये भी आ रहे हैं, आई हैव जस्ट स्प्लिटेड दीज टू, इनको भी स्प्लिट करोगे तो 22 हाफ 22 हाफ हो जाएंगे. सो दिस इज हाउ व्हेन दे कंबाइन, तो जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, देखो एक्स एक्स या एक्स वाई बनेगा. सो दैट विल कंप्लीट द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द जाइगोट. सो लुक एट इट, नेक्स्ट क्या होगा, नाउ द जाइगोट फॉर्म्स एंड needs large amount of energy to grow. So one germ cell is larger and have store of energy. And this is usually female germ cell. And other germ cell is smaller and motile or mobile. ठीक है. और ये कौन होता है, this is of male gamete. तो male gamete जो है nutrition store नहीं करता,
फीमेल गैमेट जो है यानी ओवा जो है उसमें जाइगोट के लिए सारा न्यूट्रिशन रहता है। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की इस बैकग्राउंड के साथ कि डीएनए का और सेलुलर एपरेटस का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो और जाइगोट के अंदर उतना ही क्रोमोसोम हो जितना कि पेरेंट का होता है, इसके साथ इस बैकग्राउंड के साथ चलिए हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोस्टली सीन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। In fact, flowers are the reproductive organs of plants. यानी कि उस फ्लावर के अंदर ही मेल और फीमेल गैमेट्स बन रहे हैं, ठीक है जी। तो फ्लावर्स देखिए दो तरीके के होते हैं, या तो फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल होता है यानी कि मेल और फीमेल पार्ट दोनों उसमें हैं, या फिर वो यूनिसेक्सुअल होता है यानी आइदर इट कंटेन्स द मेल पार्ट और इट कंटेन द फीमेल पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एग्जाम्पल देखिए बाइसेक्सुअल का हमारे पास क्या है बच्चों, एक है आपके पास हिबिस्कस, दूसरा आप देखेंगे यू हैव मस्टर्ड। सिमिलरली यूनिसेक्सुअल में आप देखेंगे पपाया एंड वाटरमेलन, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट टू ऑफ दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल्स जिसके अंदर आप देखोगे यूनिसेक्सुअल प्लांट्स देखोगे। हिबिस्कस के अंदर दोनों ही हैं यानी कि दे ऑल कंटेन्स बोथ मेल एंड फीमेल। मेल को बच्चों हम इस तरह से डिनोट करते हैं और फीमेल को इस तरह से डिनोट किया जाता है। बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इसके अंदर आपको मिलेंगे। इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, आइदर मेल जर्म सेल्स होंगे इसके पास denoted by zero and an arrow, or it will contain female germ cells denoted by zero and a plus. Flowers के अंदर male female gamete होते क्या हैं बच्चों, male gamete को हम बोलते हैं बच्चों carpel, sorry this is the female part and male part is called as stamen. तो चलिए पहले carpel का देख लेते हैं। कार्पल्स बच्चों इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ अ फ्लावर, ठीक, एंड इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा इज द स्टिकी पार्ट और द टर्मिनल स्टिकी पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। स्टाइल इज द मिडल एंड द इलोंगेटेड ट्यूब, और ओवरी क्या है बच्चों, दिस इज द स्वोलन बॉटम पार्ट ऑफ द कार्पल, ठीक बच्चों। ओवरीज के अंदर जो है आपको मिलेंगे इट कंटेन्स, ओवरीज कंटेन्स ओव्यूल्स, और ओव्यूल्स में क्या है बच्चों, ओव्यूल्स कंटेन एग्स और द एग सेल। प्लांट्स के अंदर होता क्या है, जो एग सेल होता है बच्चों ओवरी के अंदर, ऑब्वियसली ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एग सेल है, सो एग सेल इन ओवरी विल कनेक्ट विद द पोलन ग्रेन्स विच इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स और दी जर्म सेल्स। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे बच्चों, जाइगोट, और इस जाइगोट से बनता है आपका न्यू प्लांट। लेकिन इस प्रोसेस के होने के लिए जो पोलन है बच्चों दैट शुड रीच ओवरी, फॉर दिस पोलन ग्रेन शुड बी ट्रांसफर्ड from stamen, that is the male reproductive part,
to stigma, and then to style, and then to ovary. करेक्ट, ये ट्रांसफर होना चाहिए. लेकिन अब ये होता कैसे है? हाउ डज इट हैपन? दिस हैपन्स बाय पॉलिनेशन. दिस हैपन्स बाय पॉलिनेशन. अब पॉलिनेशन भी बच्चों दो तरह की है. पहली सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरी क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है बच्चों? सेल्फ पॉलिनेशन होती है आपकी बाइसेक्सुअल प्लांट्स में. इन बाइसेक्सुअल प्लांट्स. और क्रॉस पॉलिनेशन किस में होती है बच्चों? दिस विल बी इन यूनिसेक्सुअल प्लांट्स. राइट, क्रॉस पॉलिनेशन बच्चों, इट इज, हमें पता है कि क्रॉस पॉलिनेशन अपने आप तो होगी नहीं, इज एडेड बाय विंड, वाटर एंड एनिमल्स. ठीक है, यानी कि कोई ना कोई वेक्टर चाहिए, कोई ना कोई साधन चाहिए एड करने के लिए उस पोलन को एक जगह से दूसरी जगह लेकर आने के लिए. सो बिफोर वी लुक इन टू हाउ द पॉलिनेशन इज गोइंग ऑन, लेट अस अंडरस्टैंड द डायग्राम ऑफ अ फ्लावर. ठीक है बच्चों, देखिए मैं आपको सेपरेट सेपरेट करके पहले बता रही हूँ, एंड देन वी कैन जस्ट लुक इन टू द कंबाइंड स्ट्रक्चर. सो लुक एट इट. राइट, नाउ इसी के अंदर हम यहां बना रहे हैं ओवरी, एंड दिस इज व्हाट द स्टाइल, एंड दिस इज द स्टिग्मा. और इसके साथ आप बाहर देखोगे तो दिस इज व्हाट एंथर्स. राइट, सबसे पहली चीज जो बाहर का पार्ट है बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज पेटल, ऑल्सो नोन एज कोरोला. दिस इज वॉट सेपल, ऑल्सो नोन एज कैलिक्स. एंड द नीस्ट, सबसे नीचे का पार्ट जो है, दिस इज कॉल्ड एज रिसेप्टेबल, रिसेप्टल, ऑल्सो नोन एज थैलेमस. करेक्ट, नाउ वॉट इज, वॉट आर द फंक्शंस? This is bright colored petals hamesha. It attracts insects for pollination. Base contain nectar, nectary, which produces nectar. This is the function of petals. Now let us look at what is the function of sepals. Sepals bachcho protects flower from the bird. It protects flower while in bud formation. Jab bud hota hai to ye sepal jo hai usko bachati hai. Generally it is green in color. And serves to photosynthesis to produce food. Obviously, है ना? Photosynthesis food बना रही है. These are the functions of the sepal. Now let us look at what is the function of thalamus. In some cases, after fertilization. It becomes fleshy.
just like apple. And it is also the base to which all flowers part are attached. Thalamus के साथ सारे plant के parts जो हैं, flower के part हैं, वो connected होते हैं. So these are the functions of petals, sepals and thalamus. Now next we will talk about the male reproductive organ only. So look at it. Right. This is what? This is the pollen sac with pollen grains. This part is known as anther, and this is what? Filament. अगर आप इस पार्ट में देखना चाहो सो दिस इज वॉट एंथर एंड दिस इज वॉट फिलामेंट राइट और दिस इज कॉल्ड एज स्टिग्मा जिसके साथ प्लांट पोलन ग्रेन चिपकेंगे दिस पार्ट इज कॉल्ड एज स्टाइल जिसमें पोलन ट्यूब बनेगी एंड दिस इज कॉल्ड एज ओवरी ठीक सो अभी हम बात कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की फिलामेंट को बच्चों दिस इज द स्टॉक दैट सपोर्ट्स एंथर राइट अभी देखिए पोलन ग्रेन्स और ये सब क्या है नाउ द पोलन ग्रेन्स दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कॉल्ड Androecium. And together it is called as, together this entire part is called as stamen or the male reproductive part. Stamen ke andar kya hai? Anther. And filament. This is called as stamen. Anther is bilobed. आप देख ही रहे हैं. It is bilobed. And each contain a pair of pollen sacs with pollen grains. So we can say that this is the anther part. These are the pollen grain sacs. Aur andar jo blue part hai, that is the pollen. So this is the male reproductive organ. Next we will talk about the female reproductive part and uske kya kya functions honge. So this is the stigma, style. And then we have ovary. ठीक और इसके अंदर ये रहे आपके ovules. So this part is called as stigma, style, and this part is the ovary. और अंदर क्या है ovules. And this is the ovary wall. Together this is called as pistil or it is called as carpel. देखिए इसके parts का क्या क्या काम है. This is the female reproductive part.
called gynoecium. Stigma is sticky. और इस स्टिग्मा के ऊपर बच्चों आके क्या टिक जाते हैं आपके पास, पोलन ग्रेन्स लाइक दिस. ठीक है, सो दीज आर द पोलन्स. तो स्टिग्मा इज स्टिकी एंड रिसीव्स पोलन ग्रेन्स. स्टाइल लिंक्स स्टिग्मा टू ओवरी एंड गिव्स पैसेज टू पोलन ट्यूब. एंड ओवरी कंटेन्स ओव्यूल विच डिवेलप इंटू सीड्स. तो अब हम देखते हैं बच्चों की रिप्रोडक्शन होती कैसे है इस केस के अंदर, राइट. सो लेट अस जस्ट ड्रॉ द डायग्राम. हम सिर्फ पॉलिनेशन दिखाएंगे अब. यहां आपके पास कहीं कुछ पोलन्स आके स्टिक कर गए. ठीक है, जब पोलन स्टिक कर गया तो स्टिग्मा जो है यहाँ पर मेल्ट कर गया एक टाइप से, यानी कि इट क्रिएट्स अ पैसेज. जैसे ही पैसेज क्रिएट करेगा इट इज़ गोइंग टू फॉर्म अ पोलन ट्यूब. ठीक है, ये था हमारा ओवरीज के अंदर. इस ओवरी के अंदर आपके पास यहाँ थी ओवास. ठीक है, तो जैसे ही पोलन ट्यूब बनी बच्चों, पोलन ट्यूब के साथ ही आपका जो पोलन है इट विल ग्रेजुअली कीप ऑन मूविंग डाउनवर्ड्स. इट कीप्स ऑन मूविंग डाउनवर्ड. और जैसे ही यहाँ पे पहुँचेगा, ये देखिए, इट हैज़ रीच्ड दिस पोलन, इट हैज रीच्ड द ओवरी. जैसे ही वो ओवरी के पास पहुँचेगा इट विल फ्यूज विद द ओवा. सो लुक एट इट, दिस इज द पोलन ग्रेन. This is the pollen tube formed. This is stigma. This one is style. तो देखिए style के अंदर से pollen tube cross कर रही है. This is the ovary wall. What is this? This is the ovule. और बाहर जो है बिल्कुल ovary. और ये अंदर क्या है? These are the ova cells. Ova. ठीक है, also known as female gamete or germ cells. Pollen grain क्या हो जाएगा आपका, male gamete और germ cell. अभी male gamete female gamete fuse होंगे तो zygote formation हो जाएगा. तो simple है, male gamete प्लस फीमेल गैमीट फ्यूजेस, दिस इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन. इनका फ्यूजन, फ्यूजन के बाद फर्टिलाइजेशन की वजह से क्या फॉर्मेशन हुई, जाइगॉट फॉर्म्ड. ये जाइगॉट बच्चों कन्वर्ट हो जाएगा एम्ब्रियो में इन ओव्यूल. ओव्यूल develops a tough coat and is generally converted into seed. यानी अगर कोई पूछता है what is the fate of ovule, तो आपको याद रखना है ovule से हमेशा seed बनता है. और जो ovary होती है बच्चों, that ovary grows rapidly to form fruit. यहां भी आपको ध्यान रखना है कि आपको जो ovary है ovary fruit में convert होती है.
और जब तक ये कन्वर्जन हो रही है, ठीक है, इन द मीन टाइम पेटल्स, सेपल्स, स्टाइल, स्टिग्मा, दीज ऑल विदर ऑफ, या जिसे हम कहते हैं फॉल ऑफ, ये सब गिर जाएंगे और ये फ्रूट और सीड में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है बच्चों, जो एंथर है उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होगा? नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज लेट अस से 2n, ठीक है। सिमिलरली जो आपकी ओवरी है या ओव्यूल है उसके अंदर नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स क्या होंगे बच्चों? दैट विल अगेन बी 2n। बट अगर आप पोलन ग्रेन्स में बात कर रहे हो तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज n, दैट इज हाफ। और अगर आप ओव्यूल के बाद ओवा की बात करते हो, यानी कि जर्म सेल की बात कर रहे हो, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है? एन, दैट इज ऑल्सो हाफ। सो दैट जो जाइकॉट है बच्चों उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे? एन प्लस एन, दैट इज 2n, क्योंकि एक मेल से आया और एक फीमेल से आया, ठीक है। एक पोलन ग्रेन से आ रहा है ये वाला एन, और एक ओवा से आ रहा है ये वाला एन, तो जाइगॉट में कितने हो गए? 2n, विच इज इक्वल टू द पेरेंट बॉडी। सो जहां डबल होता है बच्चों उसे हम बोलते हैं डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, दिस इज ऑल्सो डिप्लॉयड। जहां हाफ होता है हम उसे बोलते हैं हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। जाइगॉट में कितने होंगे? डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक। नाउ सीड्स कंटेन फ्यूचर प्लांट्स और एम्ब्रियो विच डिवेलप्स इंटू अ सीडलिंग अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशंस, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन। अभी जब सीड जर्मिनेट करता है ना बच्चों, तो लुक एट इट, उसके पास कॉटिलिडन्स होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज कॉटिलिडन्स। कॉटिलिडन्स में क्या है? स्टोर्ड फूड फॉर द प्लांट। बच्चा है छोटा सा, उसने अपने पास स्टोर्ड फूड रखा हुआ है, ठीक। और जब ये प्लांट जर्मिनेट करता है तो ऊपर की तरफ जो प्लांट का पार्ट बनता है उसे हम बोलते हैं बच्चों फ्यूचर शूट, मानी प्ल्यूमूल। प्ल्यूमूल इज द फ्यूचर शूट, आगे बढ़ के जो प्लांट ऊपर की तरफ मूव करेगा, दैट इज कॉल्ड एज शूट। और जो नीचे का पार्ट बनता है दैट इज कॉल्ड एज फ्यूचर शूट, विच इज ऑल्सो नोन एज रेडिकल। अब जो बच्चों प्लांट्स हैं यानी कि सीडलिंग्स होते हैं आपके पास, वो दो तरीके के होते हैं सीड्स। या तो आपके पास सीड मोनोकॉट होंगे या फिर आपके पास डाइकॉट होंगे। मोनोकॉट और डाइकॉट का मतलब क्या है? जिसके पास सिर्फ एक ही कॉटिलीडन होगा दैट इज कॉल्ड एज मोनोकॉट, यानी कि ओनली सिंगल। और जिनके पास दो होंगे दे आर कॉल्ड एज डाइकॉट, यानी कि टू कॉटिलीडन्स, दे आर कॉल्ड एज डाइकॉट। एग्जाम्पल्स क्या है बच्चों इसकी? फॉर एग्जाम्पल जितनी भी आपकी लेग्यूम्स होंगी, दालें, लाइक यू हैव पी, गार्डन पी, देन वी हैव व्हाट डू यू से, पिजन पी, है ना, ब्लैक ग्राम्स,
दे ऑल आर, आई मीन सो मेनी एग्जाम्पल्स देयर, जितनी भी लेग्यूम्स हैं सब डाइकॉट हैं, यानी कि जिनको तोड़ा जा सकता है, स्प्लिट किया जा सकता है. ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप जितनी भी ग्रेन्स हैं उनको देखिए, लाइक यू हैव वीट, यू हैव राइस, यू कैन नॉट स्प्लिट दैट इन टू टू पार्ट्स. इवन योर मेज, कॉर्न, यू कैन नॉट स्प्लिट दैम. दीज ऑल आर द मोनोकॉट्स एंड दीज आर द डाइकॉट्स, राइट? सो दिस इज वॉट इज द कॉटिलेडन. विद दिस वी एंड द रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के अंदर, एंड उसमें भी विद रेफरेंस टू ह्यूमन बींग वी विल बी टॉकिंग अबाउट. सो टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड स्टे सेफ.